जन जन को ये मिलाने सत्य हमें बनाने पत्थर को मोम बनाने आया है। लिख सकता हूँ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल अनपढ़ लड़के अनपढ़ आदमी के पास 150 करोड़ क्यों आए, भिखारी जैसे लड़के के पास इतना मेमोरी पावर क्यों आया, और जिसने जीवन में कभी एक्सरसाइज नहीं की वो 98 की एज में इतना हेल्दी क्यों रहा। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट इज योर लॉजिक। आप यदि नहीं, आप यदि पुण्य पाप धर्म कर्म नहीं मानते तो मुझे रोको, और यदि आपके हृदय में 100% विश्वास है कि महाराज साहब ये गत जन्म की साधना बिना 12-12 घंटा पढ़ने वाला लड़का यदि फेल हो सकता है, और ये आदमी उसने मुझे, मैंने पूछा महाराज साहब कभी मैं केजी में नहीं, केजी नहीं महाराज साहब कभी स्कूल देखी नहीं, परंतु ये जो 55 महाराज साहब मुझे सीखना पड़ा इसलिए सीखा, मैं तो कभी स्कूल देखी नहीं। जो आदमी ने जीवन में कभी स्कूल में नहीं गया वो 150 करोड़ का मालिक बन सकता है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके पास लॉजिक क्या है? आप यही बोलते ना आपके बेटे को नहीं पढ़ेगा तो भूखा मरेगा, यही बोलते हो ना, यही बोलते कि दूसरा कुछ बोलते हो क्या? आपके पास कोई स्टैंड है इनके लिए या बोलने के लिए, बोलने के पीछे आपके पास कोई लॉजिक है सॉलिड? अनपढ़ आदमी करोड़ों का मालिक बना सकता है और पढ़ा लिखा आदमी भी बेकार घूमता है, ये आपने देखा है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, आज यही पूछना है, शक्ति बुद्धि और संपत्ति वर्तमान जीवन के पुरुषार्थ की ताकत है या गत जीवन गत जन्म का पुण्य को आज के पुरुषार्थ को बैकिंग मिला इसलिए मिली? मैं आपको पूछना चाहता हूं।